हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हेल्दी हेल्थ फॉरएवर पे। और जो आप सामने एक फ्रूट्स या फल या पत्ते देख रहे हैं, ये एक ऐसा पेड़ है, इसके जो फल होते हैं इसके अंदर एक बहुत ही मीठा तरल पदार्थ निकलता है और जिसको हम जनरली अपने फटे हुए कापी किताबें जोड़ने में काम करते थे। और सबसे मजे की बात कि हम पतंगे इसी से बनाते थे। आज के ज़माने से जो गोंद और गम आप यूज़ करते हैं, ये कहीं कम नहीं था, लाजवाब इससे ये सारी चीज़ें होती थी। खैर, ये तो बात हो गई पुरानी याद की, लेकिन ये एक लाजवाब औषधि है। इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसका बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। और इसको हम कहते हैं लिसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है, इसको सपिस्ता भी कहते हैं, कुछ जगहों पर इसको रेटा कहते हैं और अंग्रेजी में इसको जो है वो कार्डिया मिक्सा के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा औषधि है या एक ऐसा पेड़ है जिसके फल पत्ते और छाल सभी के सभी औषधि के रूप में या दवाई के रूप में बहुत ज़माने से आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति में इस्तेमाल होते आए हैं और इनके लाजवाब फायदे भी होते हैं। उसका कारण यह है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन को पचाने में या आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत करने में बहुत मदद करते हैं। स्किन में इसका बहुत अच्छा रोल है और जो सबसे अच्छा रोल इसका पाया जाता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, खास तौर पर जो इन्फेक्टिव ओरिजिन के गले की खराश, खांसी या जुकाम, इस तरह की चीज़ें, उनमें इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, छाल कैसे इस्तेमाल करते हैं, पत्ते कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसका फल कब इस्तेमाल करते हैं, किसका किस किस बीमारी में कितना सिग्निफिकेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में और इसको इस्तेमाल करने की प्रक्रिया के बारे में। इसका इस्तेमाल आप खास तौर से पेट के रोगों के लिए, डाइजेशन के लिए करते हैं और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इसके फलों का इस्तेमाल। इसके फलों को आप सूखे फल इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपको ताज़ा फल मिल जाते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को इसके 4-5-6 जो इसके फल हैं वो ले लीजिए और उनको उबाल के पानी में रख दीजिए, सुबह तक इनको आप रखा रहने दीजिए और इसको सुबह छान के इस पानी को पी लीजिए। काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, मीठा होगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हफ्ता 10 दिन आप पियेंगे तो देखेंगे कि आपका जो पाचन क्रिया है वो सुधर जाएगी। इससे आपका डाइजेशन तो ठीक रहेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी जाता रहेगा और लीवर के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं। दूसरा जो बड़ा इसका काम होता है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी होता है और जहाँ जहाँ विटामिन सी होगा दोस्तों, वो आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। अब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं तो ये टॉक्सिन्स को भी शरीर से निकालने का काम करता है। इसके तरीके से ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम करता है। आप पत्तों को चाय बना के, चाय में इसका पत्ता डाल के चाय की पत्ती के साथ उबाल के पी सकते हैं या इसका काढ़ा बना के भी आप पी सकते हैं। जो इसका काढ़ा है, इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है, खासतौर से गले के रोगों के लिए, फारेंजाइटिस, लरेंजाइटिस में, ड्राई कफ में, एलर्जिक कफ में या जितने भी दूसरे तरह के ऐसे वायरल कफ होते हैं या जब आपको सर्दी जुकाम होता है, इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। उसके लिए देखिए, ये इसके पत्ते आप ले लेंगे, 4-5 पत्ते ले लीजिए और उसके साथ बेहतर होगा कि अगर आप अड़ूसा, एक दवाई होती है उसके भी जंगल में उगती है, मीठे उसके भी फूल होते हैं सफ़ेद रंग के, आप जैसे इस इमेज में देख रहे हैं आप पहचान सकते हैं, उसका अगर आप 1-2 पत्ते ले लेते हैं और साथ में आप एक अमरूद का पत्ता भी डाल देते हैं और उसको अच्छे से उबाल लीजिए, छान लीजिए और छान के काढ़ा बना के पी लीजिए। टेस्ट के लिए आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं, थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटिक हैं तो आप इसमें शहद ना डालें। आप देखेंगे कि इससे आपके गले में सूदिंग इफेक्ट आएगा, आपकी खांसी में, खराश में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसका एक बहुत मशहूर प्रोडक्ट है यूनानी में जिसको लहू के सपिस्ता के नाम से जानते हैं, बहुत ज़्यादा ये चलता है। तो जिन लोगों को गले में दर्द होता है, खराश होती है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, फरेंजाइटिस हो जाता है, उसको यूनानी पद्धति में लहू की सपिस्ता दिया जाता है। उसके अलावा इसके पत्तों का जो इस्तेमाल है वो त्वचा के रोगों में भी किया जाता है, खास तौर से जैसे दाद होता है, खाज होता है, उस तरह उसमें आप इसके पत्ते आप थोड़ा रगड़ के उस जगह पे 2-3 दिन अगर लगा देते हैं या उसका रस लगा के उस पर मालिश कर देते हैं तो आप देखेंगे 10-15 दिनों में ही जो है ये खाज की दिक्कत या दाद की दिक्कत जाती रहेगी। उसके साथ साथ इसकी जो छाल है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। छाल का इस्तेमाल जनरल जो है वो त्वचा के रोगों में और खास तौर से जोड़ों के दर्द या इन्फ्लामेशन के सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। आप इसकी छाल ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा कूट ले और हल्का सा गर्म करके किसी कपड़े से या पट्टी के साथ आप उस जगह पर बांध दें जहाँ पर आपको दर्द है, सूजन है, खासतौर से जोड़ों के दर्द में या घुटनों के दर्द में। इससे काफ़ी राहत मिलती है, एक इससे सिकाई होती है और इसके अंदर कुछ ऐसे
प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं जो एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करते हैं, जिससे आपको दर्द में भी काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप देखिए कुछ भी नहीं तो आप सर्दी जुकाम खांसी में तो कर ही सकते हैं। आप इम्यूनो मॉड्यूलेटर या इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला जो काढ़ा है, खासतौर से जब जिन दिनों कोविड हुआ था उन दिनों जो इसका काढ़ा इस्तेमाल किया गया था उससे काफ़ी फायदे मिले थे, तो आप इसको सर्दी जुकाम खांसी के लिए तो आप रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, और अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।